या बातमीचे प्रायोजक आहेत कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सोलापूर। सोलापूर शहरातील इयत्ता 10वी व 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शनिवारी सकाळी हुतात्मा स्मृती मंदिर येथे सोलापूर डिस्ट्रिक्ट उर्दू सेकंडरी स्कूल हेडमास्टर असोसिएशन तर्फे करिअर गायडन्स व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते। या करिअर गायडन्स व्याख्यानामध्ये 10वी 12वी नंतर काय करावे यावर डॉक्टर अशार अहमद यांनी मार्गदर्शन केलं, तर मोबाईल आणि तंत्रज्ञानाचा चुकीचा वापर व परिणाम यावर विजापूर येथील डॉक्टर बगली यांनी, तर आदर्श व रचनात्मक कसे राहावे यावर डॉक्टर इस्माईल शेख यांनी विद्यार्थ्यांना अनमोल असे मार्गदर्शन केले। या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून अब्दुल जब्बार शेख, एजाज शेख, अब्दुल मजीद मुल्ला आदींची उपस्थिती होती। तर मार्गदर्शन करण्यासाठी आलेल्या प्रमुख वक्त्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते ट्रॉफी, शॉल व श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला। यावेळी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी संघटनेचे अध्यक्ष सबीना इंगळगी, उपाध्यक्ष अब्दुल गफूर सगरी, सचिव शोहे बलोल खान, खजिनदार साजिद शहाभाई, सह खजिनदार अब्दुल करीम रचभरे, आसिफ मुजावर, इम्रान शेख, सरफराज बलोल खान चौधरी शहापुरे, मिराज तांबोळे, हारून बंदूकवाले आदींची उपस्थिती होती। तर सूत्रसंचालन एजाज मंजूर आलम यांनी केलं व आभार शोहे बलोल खान यांनी मानलं। दरम्यान या बातमीचे वृत्त संकलन केले आहे लोकप्रधान न्यूज चॅनलचे पत्रकार गफूर सौदागर यांनी। तालीम एजुकेशन किसी भी इदारे से आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उर्दू स्कूल या उर्दू मीडियम में जो चीज़ सिखाई जाती है, जो चीज़ हम बचपन से सुनते हैं सीखते हैं, उसे तालीम नहीं, तालीम को तरबियत है। गैंग बनाते हैं उसी तरीके से ऑपरेट करते हैं। असल में इस वक्त सबसे ज्यादा इन बच्चों को किसी चीज की जरूरत है तो वो मोहब्बत की जरूरत होती है। माँ बाप इसको समझ नहीं पाते, इसको सेकेंड बर्थ कहा जाता है। जिस तरीके से छोटा बच्चा 1-2 साल का अपने पेरेंट्स की तवज्जा चाहता है, इसी तरीके से ये बच्चे अपने पेरेंट्स की तवज्जा चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स समझते हैं कि ये बहुत बड़े हो गए और पेरेंट्स को ये लगता है कि हम इतने बड़े हैं, हमारे सामने इस बच्चे की क्या औकात है। मेरे अजीजों याद रखिए कि कभी भी सबसे बड़ा मसला ये है कि पेरेंट ये समझते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन याद रखिए कि आपका बच्चा जिस उम्र में मौजूद है, यानी अगर बच्चे की उम्र 13 साल है तो एज ए पेरेंट आपकी उम्र भी 13 साल है, आपकी उम्र 40 साल नहीं है। ये समझने में गलती होती है, हम समझते हैं कि हम 40 साल के हैं और वो 13 साल का है, ऐसा नहीं है। एज ए पेरेंट आप भी 13 साल के हैं अगर आपका बच्चा 13 साल का है। तो मैं कह रहा था गैंग एज के बारे में, तो अगर ये गैंग अच्छी बनती है तो चीजें बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो जाती है, लेकिन अगर कभी ये गैंग खराब मिल गई, खराब दोस्ती मिल गई और खराब ग्रुप बन गया, तो जाहिर सी बात है हर गैंग का एक नेता होता है, हर गैंग का, और वो उसको ऑपरेट करता है। मिसाल के तौर पर आप ये मिसाल ही देख लीजिए, यहाँ से एक नेता उठेगा बाहर जाएगा तो उसके पीछे 5-6 जो उस गैंग के लोग हैं सब बाहर निकलेंगे, वहां से एक लड़की निकलेगी गैंग की नेता, वो बाहर निकलेगी, उसके पीछे 6-7 लड़कियां निकलेंगी। बोलने की जरूरत नहीं है, हर गैंग का एक नेता है। ये जज्बा आपके पास आया है, मैं काफी परेशान रहता हूँ आज की नौजवानों की हालत देखकर, इसलिए काशिफ साहब का शेर पढ़ता हूँ। दरए इश्क मोहब्बत को जब मैं जलता देखता हूँ, मेरे दिल में धुआं सा देखता हूँ। दरए इश्क मोहब्बत को जब मैं जलता देखता हूँ, मेरे दिल में धुआं सा देखता हूँ। खुदा करे कि मेरे बच्चों को फूल मिल जाए, खुदा करे कि मेरे बच्चों को फूल मिल जाए, मैं कौन में ये कांटों पे चलता देखता हूँ। मेरे बच्चों, मेरे कारों, मेरे सितारों, हालतें बिगड़ गई हैं। वजह क्या? हमने एक दोस्त नया पैदा कर लिया, हमने एक नया दोस्त पैदा कर लिया बर्बादी का। What is that? Very unfortunately mobile.
बिफोर मोबाइल मैं कुछ स्किल आज के नौजवानों में जरूरत है उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। आई विल टॉक अबाउट थ्री स्किल्स विच आर गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट टू हैव टू सर्वाइव इन कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, टूडेज कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड। एक जमाना था, एक महाराष्ट्र सीटीई के मेडिकल जाया करते थे, कर्नाटक सीटीई के मेडिकल जाया करते थे, 120-180 मार्क्स में से 80 मार्क्स लेके तो मेडिकल सीट मिला करती थी। नीट आउट ऑफ आउट लोग ले रहे हैं, ऐसा कॉम्पिटेटिव जमाना है। ये कॉम्पिटेटिव जमाने में स्किल्स क्या चाहिए? फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक थ्री स्किल्स। फर्स्ट वन इज डेयरिंग। व्हाट इज दैट? उर्दू में क्या बोलता है? हिम्मत, डेयरिंग। जब मैं हिम्मत की बात करता हूँ, डेयरिंग की बात करता हूँ, एक सवाल बच्चों से अक्सर पूछता हूँ, डू यू ऑल नो हु इज बज ऑल्ड्रिन? क्या आपको पता है बज ऑल्ड्रिन कौन है? एनी वन नो? माइकल कोलिन और बज ऑल्ड्रिन? माइकल कोलिन और बज ऑल्ड्रिन किसी को पता है? किसी को तो होगा। From the Progressive Education Society of High School, आज Saturday, 24th November को जो हेडमास्टर उर्दू सोलापुर उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन की जानिब से जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, उसमें जो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, जो टोटल थ्री लेक्चर्स हुए और जो थ्री मोटिवेशनल स्पीकर्स आए थे, उनके लिए उनसे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं खुद भी और बाकी सब भी उन्होंने जो हमें कीज़ दी उस पर अमल करेंगे और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। उर्दू हाई स्कूल सोलापुर, आज का मुनक्कद किया गया जलसा हेडमास्टर एसोसिएशन की जानिब से जो जलसा मुनक्कद किया गया था, जो जिसमें बहुत ही उम्दा तरीके से तीन लेक्चर हुए और इसके फर्स्ट लेक्चर दिया गया अशर डॉक्टर अशर सर की जानिब से, जो बहुत ही ज़्यादा उम्दा था। उन्होंने हमें आफ्टर वॉट आफ्टर 10th and 12th इसके बारे में बताया, जो हमारे लिए बहुत ही मुफीद है। और मैं मुझसे उम्मीद है कि सभी तलबा तालिबात को इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा और ज़रूर पहुँचेगा। ये बहुत ही ज़्यादा उम्दा लेक्चर थे, तो हमारे लिए बहुत मुफीद है, बहुत कारामा साबित होंगे। फ्रॉम न्यू SSA हाई स्कूल, तो आज का जो प्रोग्राम था उसमें हम लोगों को 10th के बाद करियर गाइडेंस क्या करना है वो सब सीखने में बहुत मदद हुई। और जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर थे उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ हम लोगों को बताया, मोटिवेट किया। और यहाँ का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ माशाल्लाह। और बस इतना ही। आज 25 नवंबर 2023 सोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेकेंडरी उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन की जानिब से हुतात्मा स्फूर्ति मंदिर में आज करियर गाइडेंस का प्रोग्राम स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स के लिए, सभी उर्दू मीडियम के सोलापुर शहर के और बाहर के भी सभी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मुनक्कद किया गया था। उनमें मोटिवेशनल स्पीकर तीन स्पीकर थे जो बहुत ही बखूबी अपना काम अंजाम दिए हैं। एक थे अशहर अहमद, डॉक्टर अशहर अहमद, जो सोलापुर से ही बिलोंग करते हैं और इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। दूसरे थे मोहम्मद इलियास बगली सर, जो बीजापुर से बिलोंग करते हैं। और तीसरे थे डॉक्टर इस्माइल शेख। ये तीनों भी मोटिवेशनल स्पीकर ने अलग अलग टॉपिक इनको दिए गए थे, जिसमें इन्होंने अपने तकरीर में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बच्चों तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की है। हम समझते हैं कि बच्चे इनकी बातों पर अमल करेंगे, जो आज की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, जो मीडिया के ज़माने में मोबाइल में जो पूरी तरीके से अपने आप को फंसा दी गई है, इसमें से बच्चे बाहर निकलकर पढ़ाई की तरफ रुझान रखेंगे, अपने पेरेंट्स की फरमा बरदारी और माँ बाप के जो ख्वाब हैं वो ख्वाब को अमल में लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से उम्मीद करते हैं। यही मकसद के तहत ये आज का प्रोग्राम उर्दू हेडमास्टर एसोसिएशन की जानिब से लिया गया, तो ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। आप सभी को बहुत सोलापुरात वैद्यकीय क्षेत्र उत्तुंग भरारी घेतलेले व ISO नामांकन मिळालेले हॉस्पिटल म्हणजे कादरी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। 24 तास मेडिकल औषधांची सुविधा, सुसज्ज महिला वार्ड, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे ICU, ऑपरेशन थिएटर, बालरोग विभाग, प्रसूती रूम,
हाई टेक्नोलॉजी से एक्सरे रूम, सोनोग्राफी, अत्याधुनिक आईसीयू विभाग आणि 24 तास इमर्जन्सी सर्विस ही। आमचा पत्ता प्लॉट नंबर 10 मजरेवाड़ी नई जिंदगी रोड अथर्व मंगल कार्यालय जवळ सोलापूर।